अभी तक आपने पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग निजी स्कूलों में ही होती देखी या सुनी होगी, लेकिन अब पीटीएम एमपी के सरकारी स्कूलों में भी होने लगी है। शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 15 से 17 सितंबर तक पीटीएम आयोजित की है। भोपाल के सभी सरकारी स्कूलों के साथ यहां तुलसीनगर के शासकीय नवीन कन्या विद्यालय में भी स्कूली बच्चों के पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई की जानकारी लेने स्कूल पहुंचे। और स्कूल में और हॉस्टल में भी मैडम अच्छे से पढ़ाते हैं, बैठाते हैं और समझाते हैं बच्चों के लिए। तो साफ सफाई और खाना भी बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। ये बनी के बाद शिक्षा प्रदेश बहुत अच्छी है, बच्चे हमें पढ़ जाते हैं। कोविड 19 के संकट काल में बच्चे स्कूल से दूर रहे तो सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम चलाया था। इसके तहत रेडियो, टीवी, क्लासरूम के साथ ही डिजी लैब कार्यक्रम भी चलाए गए थे। पीटीएम में पेरेंट्स ने बच्चों के बारे में खुलकर शिक्षकों से चर्चा की। नवीन कन्या स्कूल में लगभग 600 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से ज्यादातर के पेरेंट्स स्कूल स्टाफ के सामने मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में भी पीटीएम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 70% पेरेंट्स उपस्थित हुए। आज हमने प्राइमरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के पेरेंट्स को शिफ्ट में बुलाया था। हमारे टीचर्स ने पेरेंट्स को बताया कि वे कम से कम एक या दो घंटे बच्चों को मोबाइल अवश्य दें, ताकि डीजी लैब से जो और हमारे शिक्षकों के द्वारा जो जानकारी डाली जा रही है वे उसे देख सकें, और घर में कम से कम एक ऐसा कोना सुरक्षित रखें जहां पर बच्चा पढ़ाई कर सके, जिसे कि शिक्षा का कोना नाम दें। भोपाल के नवीन कन्या स्कूल में स्कूल स्टाफ ने कक्षा पहली से पांचवी और कक्षा छठी से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खुलने की जानकारी भी दी और 12 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के लिए विद्यार्थियों की तैयारियों की जानकारियां भी पेरेंट्स को दी। दूसरे स्कूलों की तरह नवीन कन्या विद्यालय में भी इस बार पीटीएम कोविड नियमों के पालन करते हुए रखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईएमएस टीवी, भोपाल।